नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशीकरण स्पेशलिस्ट में। आज हम आपको दिखा रहे हैं कपूर और इलायची से कैसे करें किसी को भी अपने वश में। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कपूर और इलायची का ये बेहद आसान वशीकरण उपाय। स्त्री या पुरुष कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। वशीकरण के टोटके में एक टोटका है इलायची द्वारा। इलायची की सुगंध को आप महसूस कर सकते हैं और कपूर की तेज गंध का अनुभव खुले में रखने पर और जलाने पर तो हो ही जाता है। वशीकरण के लिए इलायची का उपयोग बहुत ही लोकप्रिय है दोस्तों। इसे आप अपने प्यार को वापस पाने के लिए कर सकते हैं। ये बेहद शक्तिशाली होता है। इसकी तीव्रता और बढ़ जाती है जब अनुष्ठान में कपूर की टिकिया भी शामिल कर दी जाए। इलायची वशीकरण मंत्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को पूरा करेगा। आधी रात में किए जाने वाले इसके अनुष्ठान के लिए इलायची के 36 दाने ले लीजिए और कपूर की 12 टिकिया ले लीजिए। साफ स्थान में खुले जगह पर बैठ जाएं, छत पर या फिर बालकनी में या फिर आंगन में। 3 इलायची हाथ में लीजिए और मंत्र जाप 21 बार बिना रुके करना है। अंत में अमुखी मंत्र में अमुखी की जगह पर उस व्यक्ति का नाम लें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। 3 में से 2 कपूर की एक टिकिया के साथ जला दें और एक को सुरक्षित किसी डिब्बी में रख लें। इसी तरह से हर बार 3-3 इलायची के साथ कुल 12 बार प्रयोग करना है आपको। पूजा की हुई इलायची को अगले रोज वशीकरण के लिए व्यक्ति के खाने में मिला दें। मंत्र आप इसका नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम नमो काला कलुआ काली रात, निष्की पुतली माझी रात, काला कलुआ घात बात, सोती जो जगाए लाओ, बैठी जो उठाए लाओ, खड़ी जो चलाए लाओ, मोहिनी योगिनी चल राज की ठाओ, अमुकी के तन में चटपटी लगाओ, जिया ले तोड़ दीपक और कपूर। मिट्टी के दीपक में वशीकरण के बाद व्यक्ति का लाल स्याही से नाम लिखें और इस मंत्र का 1021 बार जाप करें। दोस्तों प्रेमिका द्वारा किए जाने वाले प्रयोग में प्रेमी का नाम दीपक के अंदर की दीवार पर और उसकी बाहरी दीवार पर खुद का नाम लिखना होगा। दीपक के बीच में कपूर की 3-4 टिकिया रखनी होंगी। इसके बाद मंत्र जाप करना होगा। उसके बाद आपको कपूर को जला देना है। जलते कपूर की लौ को एक टक निहारें। कपूर की अग्नि से वशीकरण किए जाने वाले व्यक्ति की एक छवि दिखेगी। ये इस प्रयोग की सफलता का प्रमाण होगा। आप समझ लें उस व्यक्ति का वशीकरण हो गया है। कोई जरूरी नहीं कि उसका चेहरा आपको पहले दिन में ही दिख जाए, इसीलिए इस अनुष्ठान को कुल 21 दिनों तक करना होगा। अगर आपने शनिवार से शुरू किया है तो 3rd शनिवार तक अवश्य करें। आपकी मुराद 1 सप्ताह में हो सकता है पूरी हो जाए। उसके बाद लगातार कपूर की लौ में उसका चेहरा दिखेगा। दीपक में कपूर की अपनी टिकिया डालें ताकि उसकी अग्नि कुछ समय तक जल सके। तो दोस्तों ये तो था आसान सा वशीकरण। अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल लगाइए, हम आपको ये वशीकरण करके देंगे। देखते रहिए वशीकरण स्पेशलिस्ट।